हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप जो है अपने आधार कार्ड में अपना नेम जो है या सर्व नेम है वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार होता है कि आपके आधार कार्ड जो बना होता है उसमें आपको कहीं भी स्पेलिंग गलत होता है या आपका सर्व नेम गलत होता है, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप की मदद से आप कैसे घर बैठे ही अपने जो है आधार कार्ड को सही कर सकते हैं नेम, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। तो आपको उसके लिए सिंपली करना क्या होगा, आपके मोबाइल या कोई भी लैपटॉप का कोई ब्राउजर आपको ओपन कर लेना। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है UIDAI, आपको इतना सा आपको लिख के यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे वाले ऊपर वाले ही वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपसे बोला जाएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आप कौन से लैंग्वेज में जो है इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको मैं यहाँ पर इंग्लिश ही सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो मैंने इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आप इस प्रकार का देखने को मिलेगा myaadhar.gov.in, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का आएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा वेलकम टू माय आधार के ऑप्शन पर ऐसे आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको जिसका भी आपका आधार कार्ड में करेक्शन करना है, मतलब नेम चेंज करना है, आपको उसको OTP के जरिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली करना होगा, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा आधार नंबर एंटर करने के लिए। जिसका भी आधार आपको सही करना है आपको वो आधार नंबर एंटर कर देना है। तो यहाँ मैं आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। आपको कुछ भी जो एक कैप्चा आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पे सेम एंटर कर देना है, और फिर आपको यहाँ पे सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो आपके जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपको एक OTP सेंड किया जाएगा, आपको वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो इस सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आप इसमें जो है सक्सेसफुली इसमें लॉगिन हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे इस पे साइड वाले इस पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो आपका यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ फ्लिप आधार कार्ड पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका बैक साइड का भी आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड में जो भी आप नेम चेंज करना चाहिए देगा ऑनलाइन अपडेट सर्विस का, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ पे आपको नया पोर्टल यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगा अपडेट आधार ऑनलाइन, फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा जो है आपको यहाँ पे नेम एड्रेस वगैरह जो भी है आपको चेंज करना है, आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको उसके बताया गया था, यहाँ पे आप इसको पढ़ के भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू अपडेट आधार का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा, आप कहाँ पे क्या क्या अपने ऑनलाइन जो है यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे नेम अपडेट करना है, तो आपको यहाँ पे नेम जो है आप यहाँ पे दो बार ही अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं नेम अपडेट करने पर मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको ग्रीन ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो और भी यहाँ पर अपडेट जो है यहाँ पर कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कहूँगा कि यहाँ पे फिर मैं प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा फिर आपका जो भी नेम होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी आधार कार्ड में नेम होगा पहले वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और हिंदी में भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको उसका डिटेल वगैरह आपको जो भी है दिख जाएगा। फिर आपको इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको न्यू नेम जो भी आपका न्यू नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना, टाइप कर दिया है। और उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको बोला जाएगा जो भी नेम चेंज करें उसके रिकॉर्डिंग आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट जहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे देख सकते हैं कि आपको क्या क्या इनमें से आपको एक डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे अपलोड करना होगा तभी जो आपका आधार कार्ड में जो यहाँ पे नेम चेंज हो पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आपको अपना एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा देना है। तो डॉक्यूमेंट लगाने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे व्यू अपलोड का डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, और फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जहाँ भी आपकी फाइल रखी है वो आपको यहाँ पे एक अपलोड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सभी कुछ यहाँ पे अपलोड कर दिया, मैंने यहाँ पे अपलोड भी कर दिया। यहाँ पे इस प्रकार का दिखाई देगा ग्रीन कलर का, यहाँ पे जो अपलोड यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया। फिर दोस्तों आपको चेक कर लेना, जैसे मान लीजिए अगर आपका सर्वनेम गलत है, यहाँ पे आपको पूरा नेम लिखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पूरा नेम लिखना है।
अगर आपका जो भी नेम है यहाँ पे फुल स्पेस देकर आप यहाँ पे पूरा नेम यहाँ पे लिखना हो तो आपको हिंदी में भी वो टाइपिंग होकर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपको सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको सिंपली करना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके डिजी लॉकर में वो डॉक्यूमेंट है, आप डिजी लॉकर से भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी कुछ मेरा सही है, तो यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने फिर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो फिर आपका जो भी आपने नेम अभी अपडेट करके रखा है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर आपको सिंपल, अगर आपका सही नेम नहीं है तो यहाँ पे आप एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, तब इससे आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे इसको टिक कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको दोनों को आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपसे बोला जाएगा ₹50 का पेमेंट करने के लिए, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको इस वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। इसको टिक करने के बाद फिर आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको पेमेंट मेथड पे। आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ से, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी से भी आपको यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर जैसे मुझे पेटीएम से यहाँ पे पेमेंट करना है, तो यहाँ पे पेटीएम वाला ऑप्शन जो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे पेटीएम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा पेटीएम का जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे इसमें लिंक है, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये नंबर आपको पेटीएम का मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपको सिंपली करना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले, आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो वो ओटीपी जो है आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या, जैसे जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको यहाँ पे अपने होम पेज पर आ जाना है, और फिर आपको यहाँ पे नीचे ही आपको यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे दिख जाएगा आपका जो भी आपने आधार अपडेट कराया होगा। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे दिख नहीं रहा मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा अपना आधार, नहीं तो आपको वहाँ पे एक ऐसा आधार नंबर होता है वो आपको नोट करना, जब भी आप उस आधार स्टेटस चेक करेंगे तो आपको ऐसा नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आप इसी प्रकार जो आसानी से अपने आधार कार्ड में अपना नेम जो है आप चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबके लिए इतना ही।